निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ कांग्रेस गदगद है। मंगलवार को आए नतीजे से पार्टी में अलग ही आत्मविश्वास आया है। 10 नगर निगमों में से 9 पर कांग्रेस का मेयर बनना तय है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने निकाय चुनाव में जीत कर आए सभी पार्षदों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के नौजवानों ने बीजेपी के बड़े बड़े शूरमाओं को पछाड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार के कामकाज पर जनता ने भरोसा जताया है। 10 निगम में से 9 में बहुमत मिला और 1 में बीजेपी को बहुमत मिला है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, यह बड़ी सफलता है। अब आगे सर्वसम्मति से फैसले लिए लेकर सभी सहमति से महापौर और अध्यक्ष के चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ 1 नगर निगम में आगे है, वहां भी उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं है। सम्मति रूप से प्रयास को जीत मिली है, कोरबा में थोड़े आगे हैं, अधिकांश जगह कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। रायपुर में हम हैट्रिक करने जा रहे हैं, तीसरी बार यहां के निगम में कांग्रेस का कब्जा होगा। दुर्ग में पिछले 20 सालों से हम बाहर थे, सबसे बड़ी जीत दुर्ग में हमें मिली है, एक तरफा सफलता मिली है। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार धमतरी में कब जीते थे, लेकिन आज बीजेपी से बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले निकाय चुनाव में हमने 6 निगम जीते थे, तब अंबिकापुर को छोड़कर बाकी जगहों पर बहुमत नहीं था, लेकिन इस चुनाव में बहुमत हमारे पक्ष में है। यह नतीजे ऐतिहासिक है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार के कामकाज पर जनता ने भरोसा जताया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि शहरों में बीजेपी का प्रभाव रहता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सभी 10 निगमों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस सरकार के 1 साल के काम को जनता ने स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन करते हुए शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस पर फिर से विश्वास किया और एक अभूतपूर्व जो रिजल्ट आए हैं उसके लिए सभी मतदाता भाइयों और बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी पार्षदों को जो चुनाव जीत के आए हैं सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। बधाई देता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को जो दिन रात मेहनत के कंट्रोल रूम में रहे, मीडिया में रहे और जो साथी काम करते रहे उन्हें, और सबसे अधिक बधाई भाई मोहन मरकाम को जिसके नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़े, और इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे मंत्रीगण पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। पत्रकार वार्ता में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब, आदरणीय मंत्री अमरजीत भगत साहब, हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय गिरीश साहब में हम निकाय चुनाव में हम छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की नगरी निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हुई है। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, मंत्री अमरजीत भगत जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन जी, महामंत्री महेश छावड़ा जी, कुलदीप जुनेजा जी, मुख्य प्रवक्ता सुशील शुक्ला जी, घनश्याम राजू तिवारी, विकास सनी और सबसे बढ़कर हमारे पत्रकार साथियों जो बहुत ही अल्प सूचना में आप सब यहां उपस्थित हुए। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से निवेदन करूंगा कि वे आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे, उसके बाद आप सवाल भी कर सकते हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।